अस्सलामुअलैकुम रोज स्पेशल में मैं हूँ आमना झंझुआ। आज हम बात करेंगे कायद आजम के पोर्ट्रेट पे। एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट कुछ अर्सा पहले गिर चुका था, आज वो दोबारा से बनने जा रहा है। 2 महीनों से काम जारी है और इसका बजट 1 करोड़ रुपए का है। तो हमारा सवाल ये है कि एक तरफ पीटीआई गवर्नमेंट का नारा था कि वो गुरबत को ख़त्म करेंगे और फजूल खर्चियाँ नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ऐसे प्रोजेक्ट करोड़ों के क्या हम इस वक्त इस कंडीशन में अफोर्ड कर सकते हैं जब पाकिस्तान पे बैरूनी कर्जों का बोझ है? क्या आवाम इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगी कि उसके जो टैक्सेस हैं वो डबल हुए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं? क्या कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना आज जिंदा होते तो वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने देते या इसकी शुरुआत होने देते? क्या वो चाहते कि एक तरफ गुरबत जो है वो बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, दूसरी तरफ इस तरह के प्रोजेक्ट बने, उनका पोर्ट्रेट बने जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है? आज हम पब्लिक से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या क्या चाहते हैं, ये करोड़ों रुपए कहाँ खर्च होने चाहिए थे, क्या पोर्ट्रेट होना चाहिए। हाँ, ये बुरी बात नहीं है, बाबा कौम का पोर्ट्रेट जो है वो बनना चाहिए, लेकिन क्या इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन है कि वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है? चलते हैं पब्लिक से बात करते हैं कि ये कैसा फ़ैसला है। ये जो मुजस्मा बनने जा रहा है कायद आजम का, तो इस पर करोड़ों रुपये लग रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? नहीं, इतने पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है, पहले महंगाई को कम करें। गुरबत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए पहले महंगाई को कम करें, जो पहले ज़रूरी काम है उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यही पैसे किसी गरीब को दे के उनकी कोई मदद कर दें, या जो लोग खाना नहीं खा सकते या किसी और को कोई मसला है उनका मसला हल कर दें। मतलब कितने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ इस महंगाई को रोक दें, काफ़ी ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि आज अगर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा होते तो क्या ये करोड़ों रुपए का मुजस्मा बनने देते वो? नहीं, वो पहले वो काम करते जो ज़रूरी थे, वो सबसे पहले गरीबों का ख्याल करते, अपने मुल्क के उन लोगों का जो आजकल ज़रूरी जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनसे महरूम है, उनका पहले ख्याल करते। ये जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट बन रहा है, करोड़ों रुपए लग रहे हैं इस पर, आप क्या समझती हैं कि ये बनना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मतलब अगर देखें ठीक है पोर्ट्रेट टूट गया था उसको बनना चाहिए, लेकिन अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर करोड़ों रुपए लग रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कायद आजम का पोर्ट्रेट या इसके ऊपर करोड़ों रुपए लग सकते हैं। अगर आज के दौर में अगर कायद आजम खुद होते ना, तो उनके सामने हम कहते हैं कि हमने करोड़ों रुपये का आपका पोर्ट्रेट बनाना है, तो वो कभी भी इस चीज़ को ना मानते, वो यही कहते कि हमारा जो बुनियादी जो हमारा मकसद है पहले हमारा एजुकेशन है, इसके बजाय वो जोर से कहते हैं कि यही पैसा आप या तो पाकिस्तान से गुरबत ख़त्म करने में लगा दें या इसी से आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना दें। वो बानी ये पाकिस्तान है, ठीक है, उनकी कदर हमारे दिल में होनी चाहिए, ये पोर्ट्रेट बनाने से तो कदर नहीं बढ़ती है। ये खुद खाने के लिए इसका इतना बड़ा ठेका दे दिया है, क्या और कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ कायद आजम के नाम पे ही खाना था? तो खुदा रा इस मुल्क के बारे में सोचें। फिर कहते हैं कि मुल्क का ख़जाना खाली है, तो ये इमरान खान साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, ये पहले तो बहुत बातें करते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये चोर हैं। तो आप एक अच्छे भले भलामास आदमी हैं, तो आपके ज़माने में ये क्या हो रहा है, आप इसको भी तो ख्याल करें। नया पाकिस्तान है ना, ये नए पाकिस्तान की यही कदरों कीमत है कि एक गरीब आदमी जो है वो दो भात की रोटी जो है वो नहीं खा सकता है, यही नया पाकिस्तान देना था इमरान खान साहब ने। तो खुदा रहा ये पहले चोर जो थे उन्होंने चोरी की है, सब कुछ लूटा है, मगर मुल्क में आवाम को तो उन्होंने परेशान नहीं किया है। कितनी हुकूमतों के द्वार देखे हैं आपने? मैं अयूब साहब की भी हुकूमत देखी है, उससे यहाँ तक ये सब हुकूमतें मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसी हुकूमत इससे पहले ना देखने में आई है और ना ही सुनने में आई है कि किसी मुल्क में ऐसी हुकूमत हो कि जो एक शरीफ आदमी जो कह रहा है कि मैं चोरों को पकड़ूंगा, खुद बड़ा चोर बन के बैठ गया है। किसका दौरे हुकूमत सबसे बेहतरीन लगा आपको? सबसे बेहतरीन असल बात यह है कि वो अयूब खान ने कहा था कि ये वन यूनिट ख़त्म ना करना, अगर वन यूनिट ख़त्म कर दिया तो ये मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, तो इन्होंने वन यूनिट ख़त्म कर दी। इससे अच्छा ये था कि आप जो है आवाम को नौकरियों का जो आपने वादा किया था और फिर जो आपने 50 करोड़ आवाम से घरों का वादा किया था, तो वो घर अगर आपको आप आवाम को देते और यहाँ पे आवाम जो है 3 टाइम की रोटी के लिए तरस रही है और खान साहब वहाँ पे ये बैठ के बातें करते हैं, इनकी गरीबों की बातें करते हैं, और आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे के लोगों का हाल देखें कि यहाँ पे जो है एक मज़दूर अपनी 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहा है
और उनको कोई परवाह ही नहीं है। इससे पहले भी आइए वो घूमते आई हैं और ये आज बातें करते हैं उनको पकड़ने की। चले हम इस बात को मानते हैं कि वो चोर थे, लेकिन उन्होंने जो है आवाम को ये पूरी फैसिलिटीज़ मुहैया की हैं। लेकिन इनकी हुकूमत आई है तो गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। इस पोर्ट्रेट पे कैम लगाया है, इसकी जगह ये कोई 3-4 यूनिवर्सिटी बना देते या कोई कॉलेज बना देते। अगर इनकी जगह कोई और होते, कायदे होते हमारे कायदे आज़म ये जिनका ये पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में इसकी जगह इस एजुकेशन को प्रमोट करते। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट बनने जा रहा है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन खैर मामूली फंड उस पर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। बाकी ये कायदे आज़म के नाम पर सब कुछ हो रहा है, तो कायदे आज़म के नाम पर भी अगर वन टाइम हो जाए तो क्या कह सकते हैं, लेकिन अगर असूल की बात की जाए तो गलत है। कायदे आज़म को फॉलो कर रहे हैं हम कि नहीं? कायदे आज़म को तो ज़ाहिर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर कायदे आज़म को फॉलो कर रहे होते तो ये काम ना कर रहे होते। जो आप क्या समझती हैं, अगर आज हमारे बाबा कौम जिंदा होते तो ये मुजस्मा बनता? अगर बाबा कौम जिंदा होते और बहुत कुछ भी ना होता, लेकिन वो बहुत कुछ भी हो रहा है तो फिर ये भी हो रहा है। लेकिन अगर कायदे आज़म जिंदा होते तो और भी बहुत कुछ ना हो रहा होता ना, जो अदरवाइज हो रहा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं इन पैसों का इस्तेमाल इससे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? बीसियों ऐसे इस्तेमाल हैं जो इससे बहुत बेहतर हैं, बीसियों हैं, एक नहीं है। ये पोर्ट्रेट बन रहा है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, तो क्या कहेंगे, करोड़ों रुपए का है। एक तरीके से ये सही भी है कि नेशनल रिप्रेजेंटेशन तो दे रहे हमारे, मतलब पाकिस्तान है और कायदे आज़म की नेशनल रिप्रेजेंटेशन पोर्ट्रेट काफ़ी ठीक है। लेकिन सेकेंडली ये कि जो हमारी पहले इकोनॉमी इतनी डाउन जा रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन जा रही है, यहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएजुकेटेड इतने ज़्यादा लोग हैं। सेकेंडली अभी ये कोरोना के केसेस और ये कोविड वगैरह, इन चीज़ पे ज़्यादा इनको देखना चाहिए, मतलब कि आप इस चीज़ पे लगा रहे हैं अपने पैसे जिसका हमारे पास इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली कोई भी हमें फ़ायदा नहीं देना। ये एक एज अ ब्यूटी हमें कह सकते हैं कि हमें ये एज अ ब्यूटी काम कर रहा है। तो यहाँ अभी एज अ माई सेल्फ, मैं भी एक एजुकेशन स्टूडेंट हूँ और आई एम गोइंग थ्रू रिसर्च, और रिसर्च के अंदर ये है कि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं अपनी चीज़ों को करेक्टराइज कर सकूं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं दे रही, तो वो पैसे जो अगर हमें स्टूडेंट्स को दी जाए कि हम ये पाकिस्तान को आगे लेके चलें, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, बजाय इसके कि वो जो पैसे हैं ये एक ऐसी चीज़ पर लगाएं जिसका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब ये कह रही हैं अभी इस वक्त ये टाइम नहीं था, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस वक्त। जी अफोर्ड भी नहीं कर पा सकते। अगर तो यहाँ इकोनॉमी हमारी अच्छी जा रही हो तो तब तो ये सूट करता भी है कि आप लोग ऐसी चीज़ें बनवाएं जो हमारे पाकिस्तान को टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छी, मतलब दें, फ़ायदा दें। लेकिन ये ऐसे तो इस चीज़ का तो कोई फ़ायदा है भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ पे अपने सारा बजट लगा देना तो ये तो कहीं की भी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा होते तो तब भी ये पोर्ट्रेट बनता? नहीं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हमें ये भी पता है कि उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ को एक साथ लेके चलना है। माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ हर चीज़ से देख लिया जाए, बेशक आप एजुकेशन के लिहाज से देख लिया जाए, उनका यही था कि सबको तालीम हासिल करवानी है। तो अब जैसा मैं स्टूडेंट, तो ज़्यादा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन की तरफ ही होगा। तो अगर आप ये देख लिया जाए कि अगर ये हम पोर्ट्रेट पे सारा पैसा लगा देते हैं तो जो अब मुफलिसी के अंदर बच्चे मार रहे हैं, और सेकेंडली ये जो सारे बच्चे रह रहे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ाई हासिल करने के लिए, तो सबसे पहले कायदे आज़म उनको देखते, सेकेंडली उनको देखते जो भूख इफलास से मारे हैं, सेकेंड उसके बाद उनको देखते कि जो जिन लोगों के पास पॉवर्टी है, जिनके पास जॉब नहीं है, लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट दें, उनकी पे ज़्यादा करें, उनको प्रमोशन दें जो कि पैसों की वजह से वो भूख इफलासी की वजह से मारे, बजाय इसके कि एक फजूल से प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगा दें। मैं ऑलरेडी मुल्क कर्ज़ों में डूबा है, तो इसके लिए यही किसी कोई और ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिनमें लो कॉस्ट के ऊपर जो पीपल हैं उनका फ़ायदा हो। इसमें तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो अपने उनके लिए बना रहे हैं, तो मेरी नज़र में ये नहीं बनना चाहिए। ऑलरेडी मुल्क के ऊपर कर्ज़ा है, लोग इधर लॉकडाउन से महंगाई से लोगों की डेथ्स हो रही हैं, तो इस वजह से पहले तो हॉस्पिटल को फैसिलिटेट किया जाए, मेरी नज़र में तो यही है। आगे इमरान खान साहब की अपनी मर्ज़ी है जो भी हो, लेकिन इन लोग का कहना है कि बाबाई कौम है, उनके पाकिस्तान उन्हें बनाया, उनके हमारे पाकिस्तान पे हसन आते हैं तो इसलिए हम बना रहे हैं। तो क्या जिन्ना जिंदा होते तो ये करते? नहीं, बाबाई कौम ने जिन्होंने बनाया ये बस इनकी अपनी मोनोपोली है। बाबाई कौम के ऊपर उधर जाके एक बंदा जाके उधर नारे लगा के आता है, उसका तो ये कुछ भी नहीं कर सके, तो इन्होंने और क्या करना है। शहरी मौजूदा से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, ये जो पोर्ट्रेट बनने जा रहा है इस पे आप क्या कहेंगे? गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है, और यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर रह के ये इस्लामाबाद में करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है। या तो यहाँ पर कोई पार्क हो, तफरी हो, जिस तरह शक्करपड़ियों में बना हुआ है तो वहाँ पर लोग जाएँ यादगार के तौर पर, जिस तरह साल में एक बार लोग आएँगे बाबा का आज़म की बरसी पर,
इधर आके नारे मारेंगे और चले जाएंगे। इसका गरीब आदमी को फ़र्क नहीं, गरीब आदमी मर रहा है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, इसका मेरी नज़र में तो कोई फ़ायदा नहीं। इसके बजाय अगर गवर्नमेंट अवाम गरीब तबके को कर्ज़े दे दे, जो लो कॉस्ट कर्ज़े हैं उनके ऊपर गरीब को ज़्यादा फ़ायदा है, इन प्रोजेक्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं मेरी नज़र में। देखिए पाकिस्तान इस वक्त जो कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, इस वक्त ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका कोई मकसद ही नहीं है। अगर जिन्ना ज़िंदा होते तो कभी भी इस प्रोजेक्ट की हामी ना भरते और ना ही इस काम को होने देते। तो मैम इससे जो फॉरिजन आते हैं वो ओबियसली इसी एयरपोर्ट को यूज़ करते हैं, उनको लोग फर्स्ट इंप्रेशन देने के लिए ये ज़रूरी है, इधर हाईवे की लुक मेंटेन होनी चाहिए, डेट्स वाई ये इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। इस वक्त जब पाकिस्तान पे इतने ज़्यादा कर्जे हैं तो पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो ज़रूरी भी नहीं है, इतने बाद में भी बन सकते हैं। तो मैम प्रोजेक्ट ओबियसली कर्जे हैं, वो कर्जे इमरान साहब की वजह से नहीं, जो पहले गवर्नमेंट्स आई हैं उनकी वजह से आई हैं। लेकिन ये डिसीजन तो इनकी गवर्नमेंट में आया है ना, मुजस्मे बनाने, ये उनके तो नहीं, आगे जो उनके कोलीग्स हैं उन्होंने प्रोजेक्ट, अब ओबियसली वो खुद एज ए खुद जो उनके पर्स लीड मुल्क को कौन कर रहे हैं, इमरान सर खुद कर रहे हैं। तो लीडर देखते हैं ना चीज़ें, लीडर देखते हैं ओबियसली देखते हैं, पर उनके जो कोलीग्स हैं लाइक जैसे उनकी गवर्नमेंट बिल्ट हुई है उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो डिसीजन सारे उनके ऊपर ले सकें। अच्छा एक पोर्ट्रेट के ऊपर इतना खर्चा आप क्या समझते हैं ठीक है कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं, ठीक नहीं है, इसको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। इससे बेहतर था किसी हॉस्पिटल बना देते, किसी गरीब का घर का चूल्हा जलता, ये तो इमरान खान साहब ने ज़रा सर गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी और ज्यादती कर रहे हैं, हमारी समझ में तो नहीं आता। क्योंकि खान साहब तो कह रहे थे कि मैं जो है वो गुरबत को ख़त्म करूँगा, जो गरीब लोग हैं उनकी गुरबत को ख़त्म करूँगा, ये तो आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा होते तो ये प्रोजेक्ट बनता? मेरे ख्याल में तो नहीं बनता, क्योंकि वो बंदा अपने कलम की स्याही जो है वो अपने पैसों से ख़रीद के लाता था। तो इस तरह गवर्नमेंट का आवाम का पैसा है, आवाम पर खर्च होना चाहिए, ना कि इस तरह पहाड़ों पर खर्च होना चाहिए। ये बताएं कि ये जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्मा बनने जा रहा है सामने, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में तो ये राय है कि अगर इस शख्स ने यह कहा है कि जी पब्लिक का पैसा पब्लिक के ऊपर जा रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि ये तो नई नस्ल है, इनको तो पता ही नहीं ना, हम भी उस वक्त पैदा नहीं हुए थे जब यह पाकिस्तान बड़ा। मगर ये है कि हमें बहुत दुख हुआ कि ये 35 साल से तस्वीर थी लोहे की, जैसे ही ये बारिशों का महीना पिछली गर्मी में आया था ना तो ये गिर गई थी, और 7 माह इन्होंने कपड़ा ऊपर बिछा कर मजाक बना दिया। 6 करोड़ की हमें इंफॉर्मेशन है, हम यहाँ रहते हैं, मगर इसको शुरू हुए भी 1 महीना 10 दिन हो गया तो नज़र कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अगर उन्होंने पाकिस्तान बनाया ना, वो लालची शख्स थे, उनका तो एक ईमान था पाकिस्तान, टीवी के मरीज थे, अंग्रेज़ों को नहीं बताया, पब्लिक को नहीं बताया, डॉक्टर को नहीं बताया, तो फिर ऐसे शख्स का तो यादगार हो रहा है, वही तो पाकिस्तान की पहचान है कायद आज़म। 15 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्या यह कायद आज़म की तस्वीर के ऊपर लगेगा? क्या यह मजाक क्या बना हुआ है कि लोगों को 12-12 हज़ार ये तनखा बेचारे सिक्योरिटी गार्ड ले रहे हैं, इनको शर्म है? पेट्रोल महंगा, हफ्ता बार महंगाई शुरू, ये तो बहुत गलत है। इसके बारे में बोले 5 करोड़ रुपये की बात कर रहे, 5 करोड़ किधर लग रहे? ठीक है बस ऐसे बस काम ख़राब है। लेकिन मैं बोले जो है ना, इसने जो वादा किया मकानों का वादा जो किया, बोलते हैं यार हम मकान सबको मकान दे रहे हैं, वो मकान किधर गया? सारा पैसे मार दिया। ठीक है मकान शकान कोई भी नहीं है, और बस महंगाई है। ठीक है महंगाई से इसका और कुछ भी नहीं है, बस एक महंगाई है और एक लॉकडाउन, बस ये 2 काम है इसका, सही है इसका तो और कुछ भी नहीं है जी। हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, हमें एक पाकिस्तान की पहचान करवाई है, उनके यहाँ पे फोटो बहुत अच्छी है, लगनी चाहिए, होनी चाहिए। तो इतना महंगा प्रोजेक्ट इस वक्त हम अफोर्ड कर सकते हैं? महंगा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, देखिए बात यह है महंगाई तो हर ही दौर में आई है। आप मुझे बताएं कि नौशीब के दौर में महंगाई आई है? आई है। जरदारी के में आई है, वो भी खाता रहा, हर बंदा खाने वाला है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब सीधी सोच है यार हमारा मुल्क आगे जाए। ये इमरान खान ठीक है, इन्होंने हाँ उन्होंने बहुत इतनी वो जो पहली हुकूमतें थी उन्होंने बहुत बड़ी की कर लोगों। लेकिन अभी आपने नई रिपोर्ट देखी है पाकिस्तान करप्शन में और आगे चला गया? नहीं नहीं आगे कहाँ जा रहा है, अभी थोड़ा वो आ रहा है, नई रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आई है मैं वही रिपोर्ट आपको बता रही हूँ। मुझे तो पता नहीं रिपोर्ट का, लेकिन पीछे आ रहा है ये जो काफी हद तक कर, चलो। और महंगाई भी कह रहे हैं महंगाई के नए रिकॉर्ड लगे हैं। महंगाई तो होती रही है जी, मैं आपको बताया कि महंगाई हर एक
दौर में आई है, चलती आई है। तो ये इतनी नहीं है महंगाई, ठीक है। लोग कहते हैं कितनी चीज़ें हैं महंगी, देखें आपको जो चीज़ बाजार से मिलेगी, मंडियों से मिलेगी, तो आगे वो सब सिस्टम चल। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट बनाया जा रहा है, करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं, ठीक है कि नहीं? नहीं जी, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। नौजवान लड़के हैं, MBA किए हुए, मास्टर्स किए हुए, घूम रहे हैं, उनके पास जॉब्स ही नहीं है। गुर्बत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तार होते जा रहे हैं। जो भी आएगा उसने पोर्ट्रेट तो नहीं देखना, उसने तो आवाम को देखना है कि आवाम क्या कर रही है, आवाम खुशहाल है, बेरोज़गार है, क्या सिस्टम है। बाहर से जो भी आएगा उसने ये तो नहीं देखना अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उन्होंने लोगों की सूरत हाल देखने हैं, लोगों के कपड़े देखने हैं, जूते देखने हैं कि आया ये लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बुरा हालात है लोगों का। अभी चौक में आगे देखें, बेरोज़गार लोग बैठे हैं, उनके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए नहीं है। हम तो फिर अल्लाह का शुक्र है, पुराना एक रक्षा है, चलें सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं। वो पीछे बंदा खड़ा है, उसको देख लें, बेचा मुंडे पर रखा हुआ है, भीख मांग रहे हैं, क्या करे, दिहाड़ी नहीं लगती। तो ये फजूल काम है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी मुल्क है ना, वो इस तरह तरक्की नहीं करता कि पोर्ट्रेट बना दिया जाए या पुल बना दिए जाएँ। आप लोगों को खुशहाल करें, लोगों की जो है गुर्बत को दूर करें, असल काम ये है। इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर मौजूद है संगीन साहब, इनसे पूछते हैं कि जो पोर्ट्रेट बन रहा है इसका और जो पुराना पोर्ट्रेट था इसमें क्या फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम। जो पहला पोर्ट्रेट बना था 2005 में, तो वो उस टाइम के लिहाज से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। बट जो नया प्रोजेक्ट है हमारा, नया पोर्ट्रेट जो है 2020 का, तो उसमें सबसे मेन डिफरेंस जो है उसमें एक ग्रिड्स थे साइड्स पे, ना 4 ग्रिड्स जो थे जिसपे ये खड़ा था, तो वो हॉलो थे, उसमें उसके दरमियान स्पेसिस थी जिसपे बच्चे चढ़ के ऊपर जाते थे, जो एक रिस्क था स्ट्रक्चर के लिए भी और उनके लिए भी। तो हमने फिल करने डिफरेंट डिज़ाइन से, पाकिस्तान की जो कल्चरल डिज़ाइन है, मेहरगढ़ का एक डिज़ाइन है इसमें, या जो भी डिफरेंट पाकिस्तान के कल्चरल प्रोविंसेस के रंग है उसमें आपको नज़र आएंगे उस इसी प्रोजेक्ट में, मैं एक डिफरेंस ये। दूसरा हमारा जो यूनिटी फेड डिसिप्लिन और ईमान इतिहाद तंजीम था, तो वो पाइप्स और स्टील पे लगा था। अभी हम उसके लिए वॉल्स बना रहे हैं और वॉल्स के ऊपर जो रोहतास फोर्ट का डिज़ाइन है वो हम रिप्लिकेट कर रहे हैं, और उसके लिए फिर जो सैंड स्टोन हम उसे कहते हैं, स्वाद से एक ख़ास किस्म का स्टोन आता है, फिनिशिंग में हम वो लगा रहे हैं, और फिर उसकी लाइटनिंग होगी और उस पर फिर हम ये लेटर्स लिखेंगे जो कायदे आज़म का हमारा मोटो है, यूनिटी फेयर डिसिप्लिन और ईमान इतिहाद तंजीम। तो ये दो मेन डिफरेंसेज है इसके। इसके अलावा जो ग्रिड्स इसमें ऐड हुए हैं, इसमें बेंचेज ऐड हुए हैं, इसमें कुछ लैंडस्केपिंग ऐड हुए, इसमें कल ट्रेल ऐड हुआ है, ट्रैकिंग जिसके ऊपर ये चोटी तक जाने के लिए हम वो ट्रैक यूज़ करेंगे। तो ये बताएं इसका मॉडल कितने अर्सा पहले बना था? मॉडल जो है उसका, जो हमारी कमेंसमेंट स्टार्ट हुई थी, वर्क ऑर्डर जो हमें मिला था, तो उससे 1.5 मतलब 45 डेज पहले हमने उस पर वर्किंग स्टार्ट किया था। तो उसी उसका जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है और 3D मॉडल है, वो सारा उसी टाइम में हमने बना लिया था। अच्छा, तो ये कितने अरसे का प्रोजेक्ट है, कि एक साल लगेगा, दो साल लगेंगे, डेढ़ साल लगेगा? वर्किंग प्रोजेक्ट जो है वो 2 महीने का था, जो हमने 1.5 मंथ में कर दिया था, और जो साइट पे काम करने का था, होमवर्क तो 1.5 मंथ्स का था, वो 5 महीने का है। तो टोटल ये 7 to 8 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, और एंड ऑफ अप्रैल या स्टार्ट ऑफ मई जो है वो हमारा डेडलाइन है। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम 23 मार्च में इसको ख़त्म करें, ताकि रिजोल्यूशन डे पे इसका इफ्तिताह हो सके। कितनी टीम है यहाँ पे जो काम कर रही है? जी, हमारे पास एक अपर टीम है जो हेड कर रही है, उसमें मुराद साहब है, नौरोज़ है और मैं खुद हूँ। तो ये 3 बंदों की टीम है। एक हमारे साथ CDA का नुमाइंदा होता है, और फिर जो हमारे लेबर्स है, तो 5 हमारे मेन वर्कर्स है, और उसके साथ जो है 15 to 20 लेबर्स है। इसके अलावा जो मेजर काम हो रहा है वो हमारे वेयर हाउसेज में हो रहा है लाहौर में, जिसमें ये सारी जो असेंबली है वो उधर ही बन रही है। यहाँ सिर्फ असेंबली आएगी, और फिर थ्रू क्रेन्स और अदर इक्विपमेंट्स वो हम सिर्फ असेंबल करेंगे। ये हुनरगदा जमाल शाह साहब का प्रोजेक्ट है, और ये उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होगा। इसकी मटेरियल बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे उससे, और इसमें जो है ना स्पेशल सवाद का स्टोन यूज़ हो रहा है। ये रोहतास फोर्ट के जो दीवारें बनाई हुई, इस पर वो पत्थर लगेगी। दूसरी बात है कि ये इसमें मटेरियल जो है SS और मेटल लगेगा, जो बाहर से मंगवाई हुई है, और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा बनिस्बत उसके, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी भी नहीं थी और वो सिक्योर नहीं था, तो लोगों ने उसकी मटेरियल चुरा के वो कमज़ोर होकर गिर गया। अच्छा, ये बताएं कि जो और मटेरियल है, स्टील वगैरह या मेटल वगैरह, वो कितना यूज़ होगा इसमें? तकरीबन 80% जो है ना स्टील और SS वो यूज़ हो रहा है। और ये कितने अरसे में कम्प्लीट होगा? ये तकरीबन 3 महीने में कम्प्लीट हो जाएगा। और ये कितने अरसे से काम चल रहा है इस पर? ये तकरीबन 3 महीनों के काम चल रहा है इस पर।
यानी 6 महीने में कंप्लीट होने चाहिए इंशाल्लाह ताला। ये हम कोशिश करें कि 23 मार्च को ये कंप्लीट करें। मसला ये है कि महंगाई इतनी है कि हर बंदा परेशान है इसमें, तो हम यही मशवरा देंगे कि पहले आवाम को जो है ना वो सहूलत मिले। हाँ, आवाम को जो सहूलत नहीं मिलेगी तो फिर ये किसी का क्या फ़ायदा है। जब कोई बंदा भी सुखाल नहीं है पाकिस्तान में, फिर वो क्या करेगा, उसको कोई खुशी भी खुशी नहीं लगेगी। मसला ये है, हम तो मजदूरकार हैं, ये देखें मजदूरी करते हैं और पेट पालते हैं। अब ऐसे भी हैं हमारे भाई जो रोड पे यहाँ पे एक कस्टमर आता है और 10 मांगने वाले आ जाते हैं, फिर हमारा क्या जवाब होता है। हम बोलते हैं यार ये हमारे पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए, अगर आप कस्टमर हैं आप हमें पूछ रहे हैं कि भाई ये आप लोगों ने खड़े कर दिए, हम बोलते हैं हमने नहीं खड़े किए, इनको पेट की मजबूरी ने खड़ा कर दिया। ये मसला है, हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं बने, जब कुछ बनेगा तो पाकिस्तान का नाम होगा। लेकिन बात चीज़ें जो होती हैं ना वो किसी कंट्री के सिंबॉलिक होती हैं। अब जिस तरह स्टेचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में वो एक सिंबॉलिक है उनके लिए, तो पाकिस्तान का ये कैपिटल है और कैपिटल के बीच में अगर हम अपने किसी कायदे कोई सिंबॉलिक चीज़ बना रहे हैं तो इसके बीच में मेरे ख्याल में ये फजूल खर्ची नहीं है। आज हम अफोर्ड कर सकते हैं जब गुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक तरफ एहसास प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं गरीब को उठाने के लिए बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और बैरूनी कर्जे जो हैं पाकिस्तान पे 112 बिलियन अमरीकी डॉलर कर्जे हैं, ठीक है IMF के हम मकरूज़ हैं। दूसरी तरफ ये गलत बात नहीं है, लेकिन क्या ये सही वक्त है? देखें हर वक्त हर चीज़ का सही वक्त होता है। आपका बजट जिस वक्त है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी में एक ही काम करेंगे आप बाकी सारे काम छोड़ देंगे। अगर हम पोर्ट्रेट पर लगा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं, हम बाकी सब चीज़ों पर लगा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हम इस पर ना लगाएं। पाकिस्तान की नहीं, ना लगाने की हम बात नहीं कर रहे, हम सही वक्त की बात करें। क्या इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं ये चीज़ें? देखें कंडीशन तो इस वक्त आज अच्छा ये मुझे बताएं कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज जिंदा होते तो क्या अपने एक तस्वीर पर करोड़ों रुपये लगाने की इजाज़त देते? कायदे आज़म तो प्रोटोकॉल लेने की भी इजाज़त में हक में नहीं थे। तो बात तो ये बनती है कि कायदे आज़म के अगर उस विज़न को देखा जाए तो उसमें तो वो प्रोटोकॉल लेने में भी नहीं, उसमें तो फिर हमारे मिनिस्टर्स की जो तनख्वाह बनती है वो भी नहीं बनती है। लेकिन अब कायदे आज़म नहीं है तो पाकिस्तान कुछ और है। अभी हम लोगों ने कायदे आज़म के विज़न को ज़िंदा रखना है, हम लोगों ने उनकी चीज़ों को कायदे आज़म का विज़न ये था कि मेरी तस्वीर पर करोड़ों रुपये लगाएं। अब वो टाइम देखें जब लोग अब कायदे आज़म को भूल भी चुके हैं, उनकी आइडियोलॉजी को सामने लाए ना कि ना कि ताकि उनको फॉलो करें ना कि उनकी तस्वीर। आप मुझे ये बताएं कि एक तस्वीर लगाएंगे जिस पे करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, वहाँ से आते जाते हमारे यंगस्टर्स भी देखेंगे, वो क्या सीखेंगे कि ये हमारे बाबाए कौम है बस, उसके अलावा उनको नहीं पता होगा कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, इन्होंने लाइफ कैसे गुजारी। टेक्नोलॉजी लें तो फिर हमारे जो नोट के ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर छप रही है ना उसके ऊपर भी पैसा खर्च हो रहा है, तो फिर हम लोग वो स्याही भी ना जाया करें, स्याही को भी वो तो करेंसी है ना, वो तो करेंसी है। देखिए स्याही तो उस पर भी लग रही है ना, लॉजिक इस्तेमाल करें तो स्याही तो उस पर भी लग रही है। आपको पता है कायदे आज़म एक पैसा नहीं अपनी जात पे लगाते थे कौमी खजाने का, आज उनकी तस्वीर पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं? नहीं सर बिल्कुल नहीं, ये हालात खराब है मुल्क के, जिससे अंदाजे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गरीब इंसान मर रहे हैं महंगाई की वजह से, तो हर इंसान भीख मांग रहे हैं, इतने हालात खराब हो गए महंगाई की वजह से। तो क्या ये अच्छा अमल है उनका कि इस महंगाई के दौर में जब आवाम के पास खाने को नहीं है तो वो करोड़ों रुपये का एक तस्वीर बना? बुरा अमल है, आपको पता है लोग जो मर रहे हैं गरीब जो खाने का जिसको भी मिल रहा है तो क्या इसका क्या फ़ायदा बनाने का, हम तो गरीब लोगों की सूरत चाहिए। ठीक है आप क्या समझते हैं कि पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए था, इसकी सही जगह कौन सी है? ये पैसा खर्च जो गरीब आवाम पे जो लोग मर रहे हैं खाने को मिल नहीं रहे, हालात ख़राब हैं, जरूरियात खर्चात पूरे नहीं हो रहे, उनको देना चाहिए, उनके लिए सूरत बनानी चाहिए, कारोबार खोलना चाहिए जिसकी वजह से मुल्क के हालात बेहतर हो, कोई निज़ाम बेहतर हो। भाई गुलबर्ग है क्या करें, नहीं काम को कोई पता चल रहा है, वहाँ खड़े हम सुबह के आए हैं 7 बजे के, अभी यहाँ खड़े हैं, कोई पता नहीं काम का, नहीं साहब कोई पता चल रहा है, बस क्या करें, फिर अल्लाह के आश्रय में हम यहाँ खड़े हैं, वह काम कर रहे हैं। क्या ये सही वक्त है जब पाकिस्तान के हालात इतने नाजुक है, कर्जे भी हैं और ऊपर से तस्वीर पर करोड़ों रुपये लगा रहे हैं? बस क्या करें, इमरान खान आ गया हुकूमत में, कोई समझ नहीं आ रही है। मैं ये कहूँगा आवाम को उससे कोई फ़ायदा नहीं, ना इधर सड़कें बन रही हैं ना कोई और तमीराती काम हो रहा है, लेकिन उस तस्वीर से हमें क्या फ़ायदा है, ना किसी को रोज़गार मिलना है, ना रोटी मिलनी, ना आटा चीनी सब महंगा है, उस बारे में हुकूमत सोचती नहीं है, वो आवाम को कहती है कि सब्र कर जाओ मर जाओ भूखे लेकिन सब्र करो, ये कोई सख्त नफरत करते हैं लोग। अगर कायदे
आजम आज होते तो इन पैसों को कहाँ लगाते? पोर्ट्रेट तो पहले का भी लगा हुआ है उसको, अब क्या करोड़ों रुपए उस पर किस लिए लगा रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? अच्छा बताएं कायदे आजम अगर आज होते तो इन पैसों को कहाँ इस्तेमाल करते? इन पैसों का अवाम की फलाह पे खर्च करते, किसी अच्छी जगह पे अवाम को कोई फ़ायदा होता, रिलीफ होता। जी आपने देखे लोगों के तासुरात, अवाम में जो अक्सरियत है उनका कहना यही था कि ये मुजस्मा जो है वो अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त जो है मुल्की हालात या इकॉनमी जो है इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम इस तरह के करोड़ों रुपए एक तस्वीर पे लगाएं। हाँ कायदे आज़म के हम पे एहसानात हैं, वो बाबा कौम हैं, हमारे लीडर हैं, लेकिन उनके जो नाम पे पैसा लगाया जा रहा है उनके नाम पे ये एक फजूल खर्ची है। अगर यही पैसे वो एहसास प्रोग्राम में दे देते, अवाम की फ्लाव बहबूद के लिए इस्तेमाल होते, तो ये एक अच्छा ट्रिब्यूट पेश किया जाता कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। तो पीटीआई की अगर हम बात करें तो पीटीआई गवर्नमेंट ने भी यही कहा था कि खान साहब हर बार अपने तकरीरों में यही कहते थे कि मुल्क की जो गरीब अवाम है मैं उनके लिए आऊँगा, उनके लिए काम करूँगा, गुरबत ख़त्म करूँगा। इसी के लिए वो इस गुरबत ख़त्म करने के लिए वो एहसास प्रोग्राम उन्होंने शुरू कर दिया था, वहाँ पर ये पैसा लगा सकते थे। सी डी ए जो है वो कायदे आज़म को ट्रिब्यूट पेश कर रहा था तो वो पैसा वहाँ भी दे सकता था। अवाम का ये कहना है कि हमें जो है वो यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत है, तालीमी जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, गुरबत ख़त्म करने के लिए बेरोज़गारी, हम डिग्रियाँ उठा के जो बेरोज़गार फिर रहे हैं, आए दिन जो है वो हम डी चौक में जा के देखते हैं धरने हो रहे हैं, कोई तनख्वाहों के इजाफे के लिए कोई जो है वो अपनी महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में इतने करोड़ों रुपए जो है वो एक मुजस्मे पे लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। आप देख रहे थे रोज़ स्पेशल, मुझे अपनी मेज़बान आमना झंझुआ को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।